वो कोई कैंडिडेट है आपको लगता है कौन कोई खड़ा हो सकता है हमारे मोदी के खिलाफ? वो उन्होंने उस मुकाम तक इंडिया को पहुंचाया है कि आजकल हर कंट्री ईच कंट्री सब कोई इंडिया को जानता है जस्ट बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी। पढ़े लिखे को बनाऊंगा, राहुल तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है। मंदबुद्धि राहुल गांधी को, जो यूक्रेन का दशा है वही दशा भारत का हो जाएगा। सपोर्ट हम लोग मोदी को करते हैं, वही हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं, वही हमारे देश की तरक्की कर सकते हैं। वैसे भारत में काम के हिसाब से तो मेरा लगता है मेरे को कोई मोदी सरकार आना चाहिए दोबारा से। 2024 लोकसभा चुनाव में आखिर देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसी को जानने के लिए हम जनता जनार्दन के बीच में हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। अहम सवाल यही है कि मोदी सरकार के कामकाज कैसा रहा और आने वाले वक्त में, आने वाले समय में देश का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। इन्हीं सवालों के साथ हम जनता के बीच में हैं। क्या नाम है आपका? सर प्रतीक खन्ना। कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर के, यूपी। कानपुर के रहने वाले हैं। देश का अगला प्राइम मिनिस्टर आप किसे बना रहे हैं? विदाउट एनी डाउट नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी, हाँ, उनके सिवा कोई नहीं बन सकता, वही बनेंगे। अच्छा, उसके लिए एकदम बेफिक्र रहिए। अच्छा, ऐसा क्या है नरेंद्र मोदी में, ऐसा क्या क्वालिटी आपको खासियत लगा कि आप लोगों नरेंद्र मोदी को फिर से मौका देना चाह रहे हैं? सर, जो उन्होंने हमारे देश के लिए कर दिया, आगे आने वाले 50 सालों तक भी शायद कोई ना कर पाए, जो उन्होंने हमारे देश के लिए करा है, और जो उन्होंने हम लोग को डेवलपमेंट दिया है, जो इंडिया का नाम रोशन करा है उन्होंने। पहले इंडिया, जिसको बाहर इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, कोई इंडिया को नहीं जानता था, वो उन्होंने उस मुकाम तक इंडिया को पहुंचाया है कि आजकल हर कंट्री, ईच कंट्री, सब कोई इंडिया को जानता है जस्ट बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी। और वो हमारे देश का चेहरा है, वही हमारे देश को और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ महिलाएं भी हैं। आपका क्या नाम हुआ मैम? प्रियंका। कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। कानपुर के रहने वाली हैं। 2024 में देश का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनने जा रहा है? मोदी। मोदी मोदी क्यों मैम, क्या रीजन है? जस्ट द सेम रीजन, बिकॉज जो पॉपुलैरिटी और जो उन्होंने किया है वो कोई नहीं कर सकता, एंड ही इज द फेस ऑफ इंडिया, सो दैट इज वाई मोदी। इवन ही, माई किड ऑल्सो वॉन्ट्स मोदी टू विन। अच्छा, लेकिन बार बार ऑपोजिशन द्वारा आरोप लगाया जाता है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, आप क्या समझ पा रही है, जनता क्या सोच रही है, क्या बेरोजगारी महंगाई ज़्यादा है? वो तो हर टाइम रहती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ अलग हुआ है, हर बार यही होता है। जब इलेक्शंस होते हैं तो ये सब फिर मुद्दे उठ ही जाते हैं, तो ये हर सरकार के टाइम पे ऐसा चलता ही रहता है। कोई भी सरकार के टाइम पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बेरोजगारी ना हो या महंगाई ना हो, तो ऐसा तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता है। अच्छा, 2024 में मोदी ही क्यों, मोदी के अलावा और कोई क्यों नहीं? कोई चेहरा है ही नहीं, बता दीजिए सर। और कौन है उसके, वो कोई कैंडिडेट है आपको लगता है कौन कोई खड़ा हो सकता है हमारे मोदी के अलावा? राहुल गांधी रेस में है, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी? नहीं नहीं, ओनली मोदी, ही थिंक्स अबाउट आवर कंट्री, दैट इज व्हाई। और बाकी लोग क्या, राहुल गांधी देश विरोधी थोड़ी सोच रहे होंगे? मैं मोदी को सपोर्ट करती हूँ, किसी और के बारे में नेगेटिव नहीं बोल सकते सर, पर सपोर्ट हम लोग मोदी को करते हैं, वही हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं, वही हमारे देश की तरक्की कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है ना कि मोदी ने देश को बेच दिया, मोदी के आने बाद से महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई। सर, चीजें और स्मूथ हो गई हैं, सारी चीजें डिजिटलाइज हो गया इंडिया, तो मोदी ने देश को बेच दिया, ये कौन सी बात हुई? पहले जितनी चीजें इतनी डिफिकल्ट थी, अब तो चीजें डिजिटलाइज हुई हैं, जो डिजिटल इंडिया को वो लाया, जो उन्होंने प्रमोट करा है, लोगों को रोजगार दिया है, ऐसा तो है नहीं कि रोजगार बेरोजगारी शुरू हो गई है। मेरे सोच के हिसाब से यही है कि मोदी ही जीतेंगे, उन्होंने हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाया है, और डिजिटल इंडिया की तरफ जो उन्होंने कदम बढ़ाया है, वैसा कदम आज से पहले कोई नहीं बढ़ा सकता था। 2024 में कौन बन सकता है देश का अगला प्राइम मिनिस्टर? वैसे भारत में काम के हिसाब से तो मेरा लगता है मेरे को कोई मोदी सरकार आना चाहिए दोबारा से, क्योंकि डेवलपमेंट खूब अच्छा हो रहा है हर एक फील्ड में, कोई मतलब शिकायत नहीं है इस तरीके की। किसको बना रहे हैं अगला प्रधानमंत्री? मेरा बस चले तो किसी पढ़े लिखे को बनाऊंगा। पढ़े लिखे को? हाँ, जाहिर को नहीं बनाऊंगा, अनपढ़ को। किसको बनाएंगे? किसको बनाएंगे? राहुल गांधी में कौन कौन अनपढ़ है, कौन जाहिल है? क्या बुराई है? कौन अनपढ़, कौन जाहिल है? अरे यार, मोदी जी की डिग्री घूम रही है ना दसवीं, वो तो खुद कहते हैं मैट्रिक पास हूँ। अच्छा, राहुल तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, फिर क्या दिक्कत है? जनता जनार्दन नहीं तो वोट देकर बहुमत दिया। एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अरे रुको रुको, जो क्या राहुल गांधी से ज्यादा एजुकेशन कोई किसी के पास नहीं है? राहुल गांधी को मैं खुली चैलेंज देता हूं आपके माध्यम से, एजुकेशन की बात है तो आए मेरे सामने, किसी भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट, सामाजिक से ले कोई भी सब्जेक्ट मेरे से कर, तो क्या मुझे प्रधानमंत्री बना देना चाहिए उसके? मतलब अगर एजुकेशन की बात है तो उनसे ज्यादा कोई एजुकेटेड नहीं है। एक कॉमेडियन को यूक्रेन ने सत्ता सौंपा, आज यूक्रेन की क्या हालत है देख लिए। एक मंद बुद्धि को हम सत्ता सौंप देंगे
मंदबुद्धि राहुल गांधी को, और जो यूक्रेन का दशा है वही दशा भारत का हो जाएगा। कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री? मोदी।